हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी जा रहे हैं हम निठारी की मार्केट में, जो कि नोएडा की सबसे बड़ी मोबाइल की मार्केट है, जो कि दिल्ली में लगती है, करोल बाग के अंदर गफ्फार मार्केट, लेकिन नोएडा के अंदर भी है, निठारी के अंदर। तो अभी जा रहे हैं हम दोनों भाई वहीं पे। जैसे कि आपको पता ही है, हम जा रहे हैं निठारी घूमने के लिए, मैं और सुए, मेरे मामा का लड़का गाँव से आया हुआ है। तो गाइस, अभी देख रहा है भाई कल का व्लॉग, जो कि हमने कल अपलोड किया था। देख लो, मेन रोड पे देखते हुए जा रहे हैं हम व्लॉग। कैसा लग रहा है भाई व्लॉग, कैसा एडिट हुआ है? तो अभी जा रहे हैं हम सोम बाजार, सोम बाजार से जाएंगे हम सेक्टर 18, जो कि अट्टा मार्केट लगती है, फिर वहां से जाएंगे सीधा निठारी। हम जा रहे हैं अभी निठारी और हम लगभग सोम बाजार के रास्ते पे पहुंच ही गए हैं। देखो सामने आपको दिख रहा होगा, सोम बाजार का रास्ता है। नोएडा की बेस्ट मोबाइल की मार्केट है निठारी और सावित्री मार्केट, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी मार्केट है। तो गाइस, जो कि मेरा की लास्ट डे है नोएडा में, जो कि मैं कल चला जाऊंगा घर वापस। तो कि हम आ चुके हैं अभी नोएडा सेक्टर 18, अट्टा मार्केट। ये सामने गाइस, ये है अट्टा की मार्केट। चलोगे भैया नजीबाबाद? कहाँ जाओगे भाई? नजीबाबाद। नजीबाबाद मंगल बाजार भैया, मंगल बाजार है क्या? कर लो यार, तुम तो यार 10 बार वही। तो अभी हम आ गए निठारी, जो कि मोबाइल की सबसे बड़ी मार्केट लगती है। तो गाइस, यहाँ से शुरू हो जाती है मोबाइल की मार्केट। तो भाई, निठारी किस वजह से फेमस है? मिठाई दो चीज़ों का फेमस है। एक तो यहाँ मस्जिद है बहुत अच्छी माशाल्लाह, उस मस्जिद में जो लागत लगी, 1 करोड़ रुपए की लागत लगी हुई है। जब भी आए आप मिठाई की मस्जिद में आके देख सकते हैं। और दूसरा जो फेमस है ये है यहाँ की मोबाइल मार्केट की वजह से, देख सकते हैं लाइन सारी मोबाइल की मार्केट। तो अभी ले लेता हूँ मैं यहाँ से अपने फ़ोन का कवर, जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है यार, मैंने चेंज नहीं किया था। तो अभी लेते हैं यहाँ से फ़ोन का कवर। तो यार, अभी जा रहे हैं हम निठारी से वापस, जो कि निठारी की मार्केट इतनी खास मार्केट नहीं है मोबाइल की, जितनी भाई ये तारीफ कर रहा था, एक भी चीज़ सही नहीं मिली मुझे, पोपट हो गया हमारा। तो अभी हम आ गए सेक्टर 18 वापस अट्टा की मार्केट में। तो यहाँ से देखते हैं अपने लिए फ़ोन का कवर, जो कि वहाँ तो बिल्कुल बेकार मार्केट थी, वहाँ सही नहीं मिला, क्योंकि ये भाई तो बहुत तारीफ कर रहा था उस मार्केट की। अच्छे कवर थे भाई, इतने बेकार, हद से ज़्यादा बेकार कवर। तो अभी हम लेने वाले हैं कैट के लिए गले में डालने वाला पट्टा, क्योंकि वो चीज़ की ज़रूरत इस भाई को है। तो अभी हम ले रहे हैं यहाँ से बिल्ली के गले में डालने के लिए पट्टा। तो आ चुके हैं हम शॉप पे। तो हम आ गए शॉप से बाहर, जो कि भैया ने वीडियो बनाने से कर दी थी मना, क्योंकि यार वो कुछ उनका प्राइवेट होगा, इसलिए उन्होंने मना करी है वीडियो बनाने। भाई सबका होता है यार, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, इसलिए उन भैया ने कर दी थी वीडियो बनाने से मना, क्योंकि हमने यार बनाई भी नहीं फिर। तो अभी हम अट्टा जाके भी आ चुके हैं, अट्टा में भी हमारे फोन का कवर नहीं मिला और ना ही बिल्ली के डालने का पट्टा, कुछ भी नहीं मिला भाई। तो भाई जब हमें कोई सोम बाजार की सवारी नहीं मिली, इसलिए स्वेम ने अभी आवाज मार ली सोम बाजार की। स्वेम मार दी आवाज भाई, आवाज तो भूल ही लगाई थी मैंने, कहा आवाज लगाई। ताऊ को देखो, ताऊ धरना टकाट रहे, क्योंकि यार कुछ भी बोलो तुम, मजा नहीं आया बिल्कुल भी जाके, परेशान हो गए फालतू में, ना फोन का कवर मिला, ना ही बिल्ली का पट्टा मिला और ना ही सही से घूम पाए मार्केट में। हम खाने के लिए ले रहे हैं रसमलाई, यहाँ से खाने के लिए लिया हमने एक मिल्क शेक और एक रसमलाई येलो वाली, जो कि खाने में देखते हैं गाइस कैसी होती है। बाकी पता है यहाँ का ना एक सीन है, यहाँ ना कुछ ऑर्डर लेने से पहले ना पेमेंट करनी पड़ती है और साथ में मिलता है बिल जीएसटी वाला वो भी भाई 2 दिन से पे कर रहे हैं हम जीएसटी वाला बिल, बाकी करते ही नहीं है हम। और तो डायरेक्ट खाते हैं, डायरेक्ट खाओ फिर बाद में पैसा दो। चाटू यहाँ से लोग आया खाने के लिए, लिए हमने रसमलाई बादाम शेक। गाइस वैसे हम नॉर्मल चीज तो खाते रहते हैं, आज हम ट्राई करने के लिए गए थे कुछ मीठा, जो कि यार कभी कभी खाना भी चाहिए। तो कैसा लगा था भाई? मजा आ गया। तो यहाँ का फेमस था गाइस नोएडा के सोम बाजार का।